बच्चे को गोद में लेकर बच्चे का माता पिता रोता रहा। कोई प्रतिनिधि आश्वासन देने को तैयार नहीं। उनका मजबूरी यही था कि वह गरीब था। मुरलीगंज प्रखंड अंतर्गत पंचायत सिंगियान के तेलीयाड़ी धरा वार्ड नंबर 3 के रहने वाले वीरेंद्र ऋषि देव के पुत्र का पानी में डूबने से हुई मौत। मुरलीगंज प्रशासन की काफी लापरवाही। 12 घंटे के बाद पहुंचे प्रशासन। पीडी न्यूज पत्रकार जब पूछा सर इतना टाइम क्यों लगा तो पत्रकार के ऊपर भड़के प्रशासन और सब को लेकर पोस्टमार्टम के लिए ले गया मधेपुरा सदर अस्पताल। पीडी न्यूज पत्रकार ब्यूरो चीफ नीतीश ने जब मुरलीगंज सीओ मुकेश से जब बात किया तो उन्होंने कहा 4 लाख रुपया दिलवाएंगे। जब पत्रकार लिखित मांगे तो बोले ये सब चीजें मौखिक ही होता है। पत्रकार के कहने पर वर्तमान मुखिया के भाई के पुत्र नीतीश कुमार ने बोला मुखिया जी से मृतक के पिता का मदद करवाएंगे। रिपोर्ट ब्यूरो चीफ नीतीश। दे रहे आप कितना दे रहे हैं? कौन किताब लिखा हुआ सीओ साहब का? वो अपने बाप के घर से वो रिकॉर्ड है मेरे पास, बोला है कि 4 लाख रुपया देंगे। तो वही लिखित में होना चाहिए ना, कल चल के हम सब लड़ेंगे उससे, तो लिखित होना चाहिए ना मेरे पास। इस तरह नहीं होता जो सीओ साहब बोला कि हम अपने तरफ से 4 लाख आपदा से मिलता है, इस तरह का सरकार का नियम है। सीओ साहब कैसे बोल दिया कि हम मौखिक बोल रहे हैं कि 4 लाख रुपया आपको देंगे? मतलब यहाँ वीरेंद्र ऋषि थे, कहाँ घर पर रहा? धराना 3 नंबर वार्ड। ये बच्चे कल कैसे पानी में कूद गए? कल ये 15 मिनट इस पे मतलब ध्यान नहीं रहा तो ये मतलब ये किनके साथ ये आए हुए थे यहाँ पे? ये आया था मतलब कि खाना लेकर के आया था, हमारी बहन था एक, काम कर रहा उसके साथ आए थे, हम लोग काम कर रहे थे यहाँ पर। नहीं आप बताइए, जब डूबा था यहाँ पे तो वहाँ पे 40-50 आदमी तो होगा, अगर तभी कोई कूदता वहाँ पे तो बच्चा बच सकता था, कोई नहीं कूदा यहाँ पे, तो यहाँ पर सब मतलब ताली बजाने वाला नजर आ रहा है। प्रशासन कितना बजे आया था रात में? प्रशासन आया था 8 बजे रात में। 8 बजे रात में आया था, देख करके चले गया, लिख करके भी वो चले गए, लिख करके और देख करके चले गया। कितना उम्र होता है बच्चे का? 5 साल। 5 साल